एक भाई का हत्ता मजलूम करबला के मैदान में तुझे वसीयत करके जा रहा है, मेरे वजूद को छुपाने के लिए, मेरे टुकड़ों की चटनी बनाने के लिए अपने सर की चादर इस्तेमाल न करना, मेरे टुकड़े करबला के मैदान में ऐसे पड़े रह देना अपना पर्दा बचाना ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए। करबला वाले गर्दन कटा भी लिया करते हैं, पर्दे बचा भी लिया करते हैं। Oh,
से कह रही है, अब्बा जो हमारे दरवाजे पे आया, हमारे नाते हमारे दादे की, हमारे नाते की हमारे अब्बा की, हमारे अब्बा की सुन्नत है, परदादे की सुन्नत है, अब किसी को दरवाजे से खाली नहीं भेजते। वो फिर जैनब रो के कहने लगी, बेटी हमारे पास बचा ही क्या है, अपने हाथ से कंकर निकाले और कंकर निकाल कर इमाम बिन मसीह को क़यामत मुकाम पर जो छोड़ के आए थे उनकी झोली में कंकर डाल दिए। अल्लाह साहब इकराम के गुलाम कहते हमारी पीठ से निकल गई, हमने कई
पसंदीदा इसके रसूल से, इसके अहले बैत से, इसके असहाबे रसूल से हमारा सीना भरा हुआ है। इंशाअल्लाह हमारे पे टोकरी उठाए हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर नबी के यारों पे उंगली उठाएगा खुदा की कसम उसकी उंगली मरोड़ के भी रख देंगे, उसकी उंगली तोड़ के भी रख देंगे। बुजदिली नहीं है, ये दानिशमंदी है, ये बुजदिली नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं कि जिनको हमने वोट दे के काम किया है, कामयाब किया है, वो कब असहाब रसूल की इज्जत के तहफ्फुज़ का भी हिफाज़त करे। अगर तुम्हारे से ये काम नहीं होता तो इन दानिशमंदी वालों का चुगली करना लेके आओ। इंशाअल्लाह कोई भी हो, कादियानी हो या कोई भी हरामी हो, काफी हो, खवारिज हो, इंशाअल्लाह अगर ये टोपी पगड़ी वाला, ये दाढ़ी वाला मिंबर 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 का तकद्दुस करकर फड़फड़ा करकर असेंबली में कुर्सी पर आके बैठ गया, इंशाअल्लाह अल्लाह का दीन भी बचेगा, खुदा का कुरान भी बचेगा, असहाबे रसूल की इज्जत भी बचेगी, अहले बैत का मकाम भी बचेगा। इन हालात के कशीर की कशीदगी है, हमारे पे पाबंदी, हमारा कोई जलसा, हमारी कोई नाखानी की महफिल, हमारी कोई कुरान की महफिल, कोई मदरसा, कोई मस्जिद 24 घंटे की भी इजाजत है, दरवाजे खुले हैं, बल्कि हमारे सीने के भी दरवाजे खुले हैं। कसम हमारे सीनों में अल्लाह का कुरान नजर आएगा, मोहम्मद का